वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तानिया और आज की वीडियो में होने वाला है मीशो हॉल। इस आप लोगों को ना मेरी हॉल वीडियोस काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। एंड इस बार मैंने मंगवाया सारे के सारे फुटवेयर फ्रॉम मीशो। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने पहले कभी भी नहीं मंगाया। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई ऑर्डर्ड फुटवेयर फ्रॉम मीशो, तो आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। एंड नॉट ओनली दैट, मैंने सब कुछ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल मंगवाया, सो दैट यू नो हमें अच्छे प्राइस में काफी ज्यादा वेरायटी मिल जाए। तो मैंने फ्लैट्स मंगाए, हील्स मंगाए, शूज मंगाए, वेजेस मंगाए, ब्लॉक हील्स मंगाए, सो आई हैव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू टुडे। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑलरेडी, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। आल्सो प्लीज फॉलो मी ऑन माय Instagram, दिस इज माय Instagram हैंडल। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। जो मैंने सबसे पहले मंगवाया ना, वो है सम फ्लैट्स और यू कैन कॉल देम बाथरूम स्लिपर्स। तो मुझे ना ऐसा टाइप का बहुत अच्छी सी लगती है, ऐसे क्वर्की सी सैंडल्स बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हैं। एंड दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल एज वेल, मेरे टॉप से मैचिंग ही एक्चुअली। एंड इट सेज पीच बेबी, बहुत सुंदर सा, इसका कलर भी बहुत प्रिटी लगा मुझे। नॉट ओनली दैट, इसके अंदर काफी सारे कलर ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे है। ये इज ओनली फॉर 253 रुपीज, तो आई थिंक 250 रुपए के हिसाब से ना काफी अच्छी एंड काफी स्टर्डी सी आपको फुटवेयर मिल जाती है। यू ऑल कैन सी इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। अभी कभी ऐसा होता है ना, हम इस टाइप की चप्पल ले लेते हैं बट पहनने के बाद सूट नहीं करती, बट ट्रस्ट मी ये वाली काफी ज्यादा अच्छी लगेगी आपके पैरों पर। गाइस, जितने भी मैंने अपने फुटवेयर मंगाए ना, मैंने सारे साइज 3 में मंगाए, सो आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। इसके अंदर आपको लिटरली सारे साइज एंड सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो मुझे काफी अच्छी डील लगी। एंड प्लस एज आई सेड, पहनने के बाद तो कंफर्टेबल है ही, प्लस आपके पैर भी बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं इसमें। नेक्स्ट आई गॉट दीज लेपर्ड प्रिंट फुटवेयर एंड ये थोड़े से ना प्लेटफॉर्म हील टाइप है। यू ऑल कैन सी कि जो हील है ना काफी ज्यादा इवन है, सो दैट अगर आप लोग को बहुत ज्यादा हील्स में कंफर्टेबल फील नहीं होता या आपका पैर दुख जाता है ना, तो ये थोड़ी सी इवन होती है, तो इट फील्स लाइक यू आर वेयरिंग फ्लैट्स ओनली, तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। एंड प्लस पूरा ना वेलवेट फिनिश है, इसका जो फैब्रिक है दैट इज ऑल वेलवेट, तो बहुत ही ज्यादा कम्फी एंड बहुत सॉफ्ट फील होगा। नॉट ओनली दैट, इट इज ओनली फॉर 388 रुपीज एंड प्राइस के हिसाब से यू आर एक्चुअली गेटिंग अ वेरी गुड डील। एंड ये वाली मैंने अपने लिए भी मंगवाई है एंड लेट मी शो यू। ये वाली फुटवेयर का एक साइज एंड डिफरेंट कलर मेरी मॉम ने भी अपने लिए मंगवाया है, सो मैंने ब्राउन कलर में एंड मेरी मॉम का जो सेम डिजाइन है बट इट इज इन व्हाइट एंड ब्लैक कलर। नाउ पहनी हुई ना लिटरली पैरों पर बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगी एंड एज आई सेड बहुत ही ज्यादा कम्फी है, आपके पैर बिल्कुल भी दुखेंगे नहीं। एंड अगर आप लोग को आदत नहीं है ना हील्स पहनने की, तो यू कैन स्टार्ट विद दीज काइंड ऑफ फुटवेयर, तो आपको बिल्कुल भी यू नो आप यूज हो जाते हो थोड़ा सा हील पहनने का। सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड डील। अगर आप लोग को भी ऐसा कुछ चाहिए तो आप डेफिनेटली चेकआउट करना। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जो भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट अप, आई गॉट अ पेयर ऑफ फ्लैट्स। आई जस्ट लव फ्लैट्स एंड मुझे लगता है कि फ्लैट्स बहुत ही ज्यादा कम्फी होते हैं एंड बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं फॉर डेली वेयर। आप जस्ट इस टाइप के ब्लैक फुटवेयर्स डाल सकते हो एंड ब्लैक इस टाइप का कलर है ना आपके सारे फुटवेयर्स के साथ आराम से चला जाएगा। मुझे इसका सबसे बेस्ट पार्ट लगा जो है कुशनिंग, लिटरली इतनी ज्यादा कम्फी एंड इतनी ज्यादा सॉफ्ट है ना, इट फील्स लाइक यू वॉकिंग ऑन द क्लाउड्स। बहुत ही ज्यादा अच्छी डील, इट इज ओनली फॉर 318 रुपीज आई गेस, तो प्राइस के हिसाब से भी मुझे काफी अच्छी लगी। लिटरली इसके यहाँ पर भी बहुत अच्छी पैडिंग है, कुशनिंग है, ऊपर तक पूरे में कुशनिंग दे रखी है, तो बहुत ही ज्यादा कम्फी लगता है। प्लस इसका जो फ्लैप वाला डिजाइन है ना, ये भी बहुत इसको मॉडर्न टाइप का लुक देता है एंड स्पेशली जो आगे से इसे स्क्वायर शेप में होती है ना, मुझे इसकी फुटवेयर ज्यादा पसंद आती है बिकॉज़ आई थिंक वो थोड़ी सी ज्यादा मॉडर्न एंड एलिगेंट लगती है। इस टाइप के डिजाइन में आपको राउंड शेप भी मिल जाएगा बट आई पर्सनली लाइक दिस वन, सो मैंने ये वाला लिया था। अगेन वेरी कंफर्टेबल, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक ब्लैक फुटवेयर आप डेफिनेटली इवली चेकआउट करना। तो गाइस, मैंने नेक्स्ट लिया अगेन अ पेयर ऑफ फ्लैट्स एंड ये मैंने अगेन एक चीज तो पिंक कलर में बनती थी, तो मैंने पिंक कलर की फ्लैट्स ली है एंड पूरे में ना फ्लोरल डिजाइन है, लाइक छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, गोल्ड की डिटेलिंग है। प्लस इस टाइप की भी अगेन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहती है स्पेशली इन समर्स, लाइक मैं बेलीज वगैरह या जितनी भी बंद जुतियां या चप्पलें होती है ना, मैं उस टाइप की नहीं पहन पाती। आई रियली वॉन्ट समथिंग एयरी एंड जो थोड़ा खुला खुला डिजाइन होता है एंड मुझे इस टाइप की काफी ज्यादा कम्फी लगती है समर्स के लिए। एंड इसका इतना ज्यादा कुशनिंग नहीं है बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी गुड डील। एंड इसके पीछे ना इलास्टिक दी हुई है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड यू कैन वेयर इट विद योर ड्रेसेस, लाइक वन पीस के साथ तो आप पहन ही सकते हो, प्लस आप इसको अपने सलवार कमीज वगैरह के साथ भी पहन सकते हो, उसके साथ भी बहुत प्रिटी लगेगा। एंड दी स्लीपर्स आर फॉर 299 रुपीज बट इसके अंदर आपको ब्लैक कलर एंड व्हाइट कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से ले सकते हो। द ओनली थिंग आई डिड नॉट लाइक अबाउट दिस फुटवेयर इज दिस, लाइक जो यहाँ से ना फ्लावर का जो डिजाइन है वो थोड़ा उखड़ा
हुआ है, तो ये मैं आराम से इसको घर पे ग्लू भी कर सकती हूँ, या फिर यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज और रिटर्न, आप ऐसा कुछ भी करवा सकते हो। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो और डिफेक्ट नहीं था, सिर्फ इतना सा ही था, तो आई थिंक मैं खुद से ही इसको फिक्स कर लूँगी। दैट इज़ द ओनली थिंग कि मुझे नहीं पसंद आई। बिकॉज यार जब भी आप अपने पैसे कष्ट के कुछ सामान ऑर्डर करते हो ना, यू ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि सही से आए एंड कुछ डिफेक्ट ना आए। सो मैं उसको देख के थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट हो गई थी, बट बहुत ही ज़्यादा माइनर डिफेक्ट है, सो दिस कैन बी फिक्स ईजिली एट होम। नाउ गाइज, मैंने आपको ना बहुत सारी फ्लैट्स दिखा दी, लेट मी शो यू सम हील्स नाउ। आई गॉट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लैवेंडर हील्स, ये तो मुझे इतनी ज़्यादा सुंदर लगी, स्पेशली द कलर। आई डू नॉट हैव एनीथिंग इन दिस कलर, मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। दिस इज साइज 36 इसके ऊपर लिखे हैं, और उसके अंदर इंडियन साइज 3 मंगवाया था मैंने, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, बट इसका स्मेल बहुत, पता नहीं क्यों मैंने इसको अभी यू नो इसके बॉक्स में से निकाला है, एंड इट स्मेल्स लाइक मेडिसिन, पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन वाली स्मेल आ रही है। बट या एंड इसका भी मैंने ब्लॉक हील मंगवाया, बिकॉज पर्सनली मुझसे वो जो पेंसिल हील होता है ना, वो नहीं पहना जाता, मैं अवॉइड करती हूँ मैं हो सके तो। अगर पेंसिल हील लाइक ऊँची हील भी लेनी है ना, तो मैं सोचती थोड़ी सी वो ब्रॉड हो, थोड़ी थिक हो, आई कैन नॉट वेयर वो बहुत पतली वाली स्लीक पेंसिल हील, मुझसे पहनी नहीं जाती। सो अगर आप लोगों को भी ना डिफिकल्ट लगता है उस टाइप की हील से, तो आप ऐसा कुछ ब्लॉक हील ट्राई कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर ना आपका पैर बहुत ही ज़्यादा लाइक इस टाइप से नहीं रहता, एकदम आई डोंट नो अनकम्फर्टेबल नहीं फील होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम्फी रहती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हील्स। एक्चुअली मैंने जो उसका कलर देखते ही इसको अपनी कार्ट में ऐड कर लिया था। दिस इज़ फॉर 400, लेट मी चेक इट फॉर यू। सो दीज आर फॉर 489 rupees, अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट अगर आप किसी ब्रांड से ही लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप H&M या ज़ारा से लोगे, आई एम श्योर आपको ये 2,500 का ईजिली मिलेगा। 489 के हिसाब से भी आई थिंक बहुत ही सही डील है, कंसिडरिंग द क्वालिटी दैट यू आर गेटिंग, एंड बहुत ही ज़्यादा गेन। इसका भी जो टॉप है ना, वो स्क्वायर वाला है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट एंड यू नो मॉडर्न टाइप का टच आ जाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लस इट हैज़ ग्रिप नीचे ना, अच्छी खासी ग्रिप दी हुई है, सो दैट आप इसको पहन के फिसल ना जाओ। कई कई बार तो होता है मेरा पैर मुड़ जाता है या फिसल जाता है, तो आई थिंक इसके अंदर ये वाली दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट आई गॉट अनदर पेयर ऑफ ब्लॉक हील्स, अगेन यू ऑल कैन सी इसका भी ब्लॉक हील है, एंड दीज आर ब्लैक इन कलर, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, एकदम बेसिक ब्लैक हील है, एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा, लिटरली इसको उठा के भी ऐसा लग रहा है दैट इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वालिटी, मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी। लाइक स्पेशली इसका जो नीचे का ग्रिप है ना, इट फील्स लाइक यू आर वेयरिंग अ बूट और समथिंग, तो काफ़ी अच्छा है। अगेन दिस इज ऑल्सो साइज 36, वेरी वेरी कम्फी, एंड इसके अंदर ना हल्का कुशनिंग ऑल ओवर दे रखा है, प्लस बहुत ज़्यादा एकदम लेदर लुक दे रहा है, तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा लेदर लुक की वजह से, बट इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। सो गाइज दीज आर ओनली फॉर 293 rupees, एंड प्राइस के हिसाब से मुझे इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड आई थिंक ना आपकी वॉर्ड्रोब में एक बेसिक ब्लैक हील एंड एक बेसिक न्यूड हील तो होनी ही चाहिए, बिकॉज दैट जस्ट गोज विद ऑल ऑफ योर आउटफिट्स। एंड इसको भी ना आप अपने इंडियन वेयर के साथ साथ एथनिक वेयर्स में भी पहन सकते हो, लाइक अपनी चूड़ीदार या जो कुर्तीज वगैरह होती है ना, उसके साथ पहन सकते हो, बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट अनदर पेयर ऑफ ब्लॉक हील्स, एंड ये अगेन 480 rupees की है, बट इसके अंदर ना काफ़ी सुंदर सुंदर डिटेलिंग है, यू ऑल कैन सी। इसके ऊपर ना ऐसा गोल्ड वर्क दे रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है, एंड पिंक के साथ जब गोल्ड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट टाइप का लुक आता है। तो ओनली थिंग इज कि यार मैंने ये वाला साइज 36 ही मंगाया था, बट ये मुझे स्टिल थोड़ा सा बड़ा, आई डोंट नो व्हाई, सो मुझे बस वही प्रॉब्लम लगा। अदर देन दैट इसका हील इज ऑल्सो अ ब्लॉक हील, तो काफ़ी ज़्यादा कम्फी रहता है। प्लस यहाँ पे ना बेल्ट दे रखी है, सो दैट आपका पैरों की ग्रिप अच्छे से बनी रहे एंड आपके पैर दुखते नहीं है उस टाइप की सैंडल्स में ना, एंड यू कैन ईजिली वॉक इन दो सैंडल्स। एक्चुअली इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन वॉकिंग इन हील्स, तो जो इस टाइप का स्ट्रैप वाला ब्लॉक हील होता है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है चलना है। प्लस इसका कलर वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा, लाइक यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद अ ब्लश पिंक कलर, नहीं बहुत प्रिटी लग रहा है, नहीं मेरे बहुत सारे आउटफिट के साथ चला जाएगा, स्पेशली इफ यू वेयरिंग अ प्लेन व्हाइट आउटफिट उसके साथ भी चला जाएगा, प्लेन ब्लैक उसके साथ भी चला जाएगा, पिंक के साथ भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगा। मुझे ये वाली भी काफी अच्छी लगी। चीज जो मैंने ली है वो है शूज, ऑब्वियसली इस वाले फुटवेयर हॉल में मुझे एक पेयर ऑफ शूज तो इंक्लूड करने ही थे, एंड दीज आर ओनली फॉर 420 rupees। कैन वी जस्ट अप्रिशिएट हाउ ब्यूटिफुल दे आर, लाइक मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। प्लस इसके अंदर ना पूरे में पेस्टल डिटेलिंग है, तो मुझे पेस्टल कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, एंड इसका बेस पूरा वाइट है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइक ट्रेंडी लग रहा है। बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हील्स है, आराम से 1-1.5 inch की हील दे रखी है,
शूज में भी पर्सनली मुझे वो जो फ्लैट वाले शूज होते हैं ना वो मैं नहीं प्रेफर करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स या मेरे पुराने हॉल वीडियोज देखे ना, आप लोग को पता है मैं हमेशा इस टाइप के ही शूज प्रेफर करती हूँ। एंड ये लिटरली ऐसा लग रहा है किसी महंगे शूज की कोई कॉपी है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगे पहनने के बाद भी यार, ये बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली अगर आप इसको वाइड लेग जीन्स के साथ पहनो या शॉर्ट्स के साथ, स्कर्ट के साथ, वन पीस के साथ, लिटरली आप किसी के साथ भी पेयर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सुंदर लगे। इसके साथ बेसिक व्हाइट लेसेस दे रखे हैं एंड 420 रुपए में यार आपको क्या मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी डील। एंड दीज आर क्वाइट कंफर्टेबल, लाइक यूजुअली आपको इस प्राइस में जो शूज मिलते हैं ना या तो बहुत ज्यादा टाइट होते हैं आगे से या कम्फी नहीं होते, बट ये वाले मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगे। मैं जिम वगैरह भी पहन के इसको जा सकती हूँ। तो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम शूज, डेफिनेटली चेक दीज वंस आउट। अगेन मैं सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड या गाइस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आप लोग मुझे बताओ कि आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, कि वो लैवेंडर वाले बहुत ज्यादा प्रिटी लगे एंड देन दीज लेपर्ड प्रिंट्स एज वेल मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। लेट मी नो विच वन इज योर फेवरेट एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगी ये वाली वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन।